Hi everybody, believe in yourself, believe in yourself and your infinite potential. Possibilities are endless. Today is 29th of October 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Prelim's 2023 course. ट्वेंटी एथ ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को आपका प्रलिमिनरी एग्जामिनेशन है और उसके लिए वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ रूपीज डबल वन डबल वन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स इसमें जो एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप का की बात थी जिसमें हम स्ट्रेटजी टास्क और डिसिप्लिन के बारे में देखेंगे फॉर दिस एग्जाम प्रिपरेशन इसको मैं फर्स्ट ऑफ नवम्बर से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं ओके आई विल लेट यू नो

शालीमार और निशांत बाग जम्मू एंड कश्मीर में है और फाउंडर हैं इसके जहांगीर शेरशाह सूरी टोम टूम है किस प्लेस पे द आंसर इज सासाराम टाउन ऑफ बिहार स्टेट विच कंट्री वॉज डिफीटेड बाई इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ वॉन्डी द आंसर इज़ फ्रांस फ्रेंच 1760 में ये वॉर हुआ था ये एक पार्ट था थर्ड कार्नेटिक वॉर का फ्रांस और ब्रिटिश कोलोनियल एम्पायर्स का इंडिया टेरिटोरी में और दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सेवन इयर्स वॉर जो फ्रांस है और जो ब्रिटेन है ये दोनों कोलोनियल पावर्स थे कोलोनियल पावर्स थे तो इन दोनों कोलोनियल पावर्स में एक होड़ लगती थी एक कॉम्पिटिशन होता था ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज को कैप्चर करने का इस बैकड्रॉप में इंडिया में भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हुआ था

हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी विच इंसिडेंट एंडेड द हिस्टोरिक फास्ट अन् टू डेथ ऑफ इंडिया विच यर इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड सो ये पांच सवाल है आज के लिए ये जो सवाल है क्विज में इनका भी एक टाइप है ये सारे जो है ना ये बहुत हेल्प करेंगे आपको वन लाइनर्स में वन लाइनर्स में जो सिटर्स क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए सो देट इज वाई अटेम्प्टीज क्वेश्चन वोकेबुलरी भी सिमिलरली बहुत जरूरी है स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी होना फुल हार्डी इसका मतलब है रैकलेस बोल्ड और रैश असावधान क्लटर का मतलब होता है दैट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन मिक्सर ऑफ वेरियस थिंग्स स्टडी आप कर रहे हो एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं करना है आप जो ओल्ड स्कूल तरीका है ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है वो आज भी वैलिड है स्टैंडर्ड बुक्स को आप पढ़ो स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ो और शॉर्टकट्स मत करो ये लॉन्ग टर्म में आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे देन कन्वीन का मतलब होता है आमंत्रित करना कम और ब्रिंग टूगेदर फॉर अ मीटिंग और एक्टिविटी असेंबल डीमार्केट करना निर्धारित करना मीकली मतलब नरमी से इन अ क्वाइट जेंटल एंड सबमिसिव मैनर सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स है आज के लिए इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो देन ये सी सेट है सी सेट भी एवरी डे बेसिस पे हमें सॉल्व करना चाहिए डो नॉट वेट एग्जाम आने का उस टाइम तक आपका सी सेट रेडी होना चाहिए एंड इट इज समथिंग कि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं करना है आपको डे टू डे बेसिस में आप ऐसे क्विजस करो सिंपल मैथ्स करो आप जनरल मेंटल एबिलिटी देखो ये आपको अलर्ट रखेगा आपका एप्टीट्यूड लेवल भी हाई होगा सो यू शुड डू दिस एवरी डे यू शुड डू दिस एवरी डे सो रीड दिस पैराग्राफ रीड दिस पैराग्राफ एंड आंसर दिस क्वेश्चन इसको सेव मत करो सी सेट को कि जब एग्जाम आएगा तभी हम पढ़ेंगे नो एवरी पे जस्ट सॉल्व टू टू थ्री क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल रहेगा यहाँ पे देन दिस इज सोशल मीडिया सोशल मीडिया में हम दिस की देख रहे हैं कलम ने एंड बी देखा था ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज आज हम पढ़ते हैं सी डी एंड ई अभी जो जनरल ऐसे आइडियाज है ना ये आइडियाज बहुत हेल्पफुल होते हैं एग्जाम प्रिपरेशन में स्पेशली मेंस में सर्कुलर इकॉनॉमी ये कीवर्ड आपको पता होना चाहिए सर्कुलर इकॉनॉमी मतलब पॉपुलराइजेशन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसने प्रोडक्शन किया है उस वेस्ट मटेरियल का फॉर एग्जाम्पल अमेजोन ने पैकेजिंग के थ्रू आपको कोई प्रोडक्ट सेंड किया तो अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि उस पैकेजिंग मटेरियल का चाहे वो प्लास्टिक हो कार्डबोर्ड हो एक्सेट्रा उसको वापस री रिड्यूस करने का कोशिश करें तो दिस इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉटर प्लांट्स विद वॉटर दैट हैज बीन टू वॉश वेजिटेबल्स एंड यूज ओल्ड है जो रद्दी अखबार होता है उसको आप पैकेजिंग में यूज करो सो दिस इज सर्क्युलर इकॉनॉमी जो फर्स्ट प्रोसेस का वेस्ट मटेरियल है उसको हमने इनपुट मटेरियल बना लिया सेकेंड प्रोसेस में सो दिस इज सर्क्युलर इकोनॉमी डिजिटल कॉन्शियसनेस रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट सेंड बाय ईमेल टू रिड्यूस द साइज ऑफ़ द मैसेज रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट सेंड बाय ईमेल टू रिड्यूस द साइज ऑफ़ द मैसेज डिजिटल कॉन्शियसनेस क्या होता है जैसे डिलीटिंग ईमेल्स मेल्स रिसाइकल बीन कई बार हमारा मेल बॉक्स एंड जो डिजिटल जो फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा ये भी काफ़ी क्लटर हो जाते हैं हम इनको भी कम कर सकते हैं आपको पता है ये जो स्टोरेज होता है स्टोरेज होता है डेटा होता है ये मैक्सिमम डेटा जैसे क्लाउड में होता है क्लाउड मतलब रिमोट किसी लोकेशन में डेटा सर्वर्स हैं जो सारा डेटा स्टोर करके रखे इन सर्वर्स को रन करने के लिए भी बहुत एनर्जी यूटिलाइज होती है सो व्हाई नॉट वी रिड्यूस दिस दिस डिजिटल क्लटर एज वेल डिजिटल कॉन्शियसनेस Then, energy efficiency होता है का करो जैसे उनको स्टैंड बाय पे भी नहीं रखना है तो हमें बिजली की भी बचत करनी है आप आज ये एक्सरसाइज करना आपके घर में जितने अप्लायंसेज हैं उसमें आप देखना उसकी बी डबल क्या है जैसे आपका रेफ्रिजरेटर टीवी या फिर से एयर कंडीशनर इनमें एक बार रेटिंग देखना जितनी ज्यादा रेटिंग होती है उतना ही वो कम एनर्जी कंज्यूम करता है अच्छा है वो देन दिस इज पेंटिंग ऑफ बोधी सत्व पद्म पानी ये जो शब्द है बोधी सत्व क्या आप इसका मतलब बता सकते हो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बोधिसव यह बोधिस पद्म पानी है प्रिलिम्स का काफी फेवरेट सवाल है हर बार लगभग से एक बुद्धिज्म से एक सवाल आता है ये वॉल पेंटिंग एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स क्या ये एलोरा है अजंता है भीम का है या फिर बोरा केव्स है आंसर तो आप हैं इंडियन सोशल रिफॉर्मर कमला देवी चट्टोपाध्याय जी आपकी अभी डेथ एनिवर्सरी है इंडियन सोशल रिफॉर्मर में आपका काफी बड़ा नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय जी देन दिस इज नेशनल सैम्पल सर्वे वॉज द ब्रीम चाइल्ड ऑफ विच इंडियन साइंटिस्ट एन एस एस ड्रीम चाइल्ड था किस इंडियन साइंटिस्ट का सी वी रमन जे सी बोस या फिर पी सी महल नोबिस ये फ्यूचर ऑफ रूरल इंडिया है पॉवर्ड बाय सोलर सोलर जो ये सोलर पैनल है ये एक्सलेंट टूल है सन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का मोदेरा इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज रेसिडेंट्स आर सेविंग 6200 टू परसेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल 1300 रूफटॉप सोलर सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं तो ये हो गया आपका सोशल मीडिया ये जो सोशल मीडिया है ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट जो हैंडल्स है वहां से ये पिक किया है एंड दिस इज अ रियली गुड सोर्स इस पर एक टैप हमें रखना चाहिए देन दिस इज द हिंदू न्यूज आज का हमारा रेफरेंस मटेरियल आंसर राइटिंग आज नहीं है सैटरडे संडे ऑफ है और यू आर से एक दिन और चाहिए प्रीवियस डिस्कशन के लिए भी सो आंसर राइटिंग भी डिस्कशन हम कल करेंगे सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर इस न्यूज़पेपर में भी द हिंदू न्यूज़पेपर में भी हमें वो न्यूज़ पिक करनी चाहिए जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और जो हमारे सिलेबस के विद इन होती है सिलेबस के विद इन होती है बिकॉज वी आर नॉट अ न्यूज़ मीडिया वी आर हियर टू स्टडी फॉर दिस डू दिस एंटायर करंट अफेयर्स फॉर दिस एग्जाम परपज ओनली एग्जाम परपज़ ओनली ओके तो लेटेस्ट स्कैन दिस न्यूज़ पेपर जो पहला न्यूज़ है वो है एलॉन मस्क टेक ओवर फायर स्टॉप एग्जीक्यूटिव जो ट्विटर है इस को एलॉन मस्क ने खरीद लिया है और ट्विटर अब प्राइवेट हो गया है प्राइवेट हो गया है और ये जो पहले लिस्टेड था स्टॉक एक्सचेंज में वो बाय नवंबर उसको डीलिस्ट भी कर दिया जाएगा लिस्टेड मतलब वो पब्लिक हुआ था लोगों को शेयर्स वगैरह ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे बट एलॉन मस्क ने वो सब शेयर्स वापस खरीद लिए और ऐसे अराउंड फोर्टी बिलियन डॉलर में ट्विटर को वापस परचेज कर लिया है सो अब ट्विटर ओन बाय वन सिंगल पर्सन होगा दैट इज़ एलॉन मस्क Let us wait and watch. अशोक चक्र आर्ट टू एड राइस कल्टीवेशन तो यहाँ एक फार्मर ने बहुत इनोवेटिवली अपने फार्म लैंड में इस तरीके से अशोक चक्र को यहाँ पे डिपेक्ट किया है आप बता सकते हो अशोक चक्र में ये कितनी तीलियाँ होती हैं अशोक चक्र पे एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए अशोक चक्र से रिलेटेड इसकी हिस्ट्री ये इंस्पायर्ड कहाँ से है इसका सिम्बोलिज्म क्या है और इन तीलियों के बारे में कलर के बारे में बताइए अभी हम हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्च हुआ था अगस्त में तब हमने तिरंगे को बहुत अच्छे से पढ़ा था तो प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन दिस अशोक चक्र पैनल टू हियर अपील्स ऑन सोशल मीडिया है आई टी गाइडलाइंस एंड कोयंबटूर दिस ओके सो दिस इज फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू यहाँ एक न्यूज़ है वाइजाक का वाइजाक एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है वाइजाक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है आंध्रा का तो अभी ये बात चल रहा है कि क्यों ना वाइजाक को कैपिटल बना दिया जाए वाइजाक पिचिंग विशाखापट्टनम एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इज प्रैक्टिकल एंड प्रेगमेटिक तो ये डिसीजन है इससे पहले आंध्रा में थ्री कैपिटल फार्मूला भी आया था थ्री कैपिटल फार्मूला एक्चुअली पहले आंध्र प्रदेश एक ही था आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को काव्ड आउट किया और जो हैदराबाद सिटी था जो पहले कैपिटल था एंटायर आंध्र का अनडिवाइडेड आंध्र का वो अब हैदराबाद चला गया है तेलंगाना में सो so दैट इज वाई आंध्र प्रदेश नई कैपिटल यहाँ पर ढूंढ रहा है आज की डेट में कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की कैन यू टेल आंसर दिस इज प्ली टू प्रोटेक्ट टुल्लू एंड कोडावा लैंग्वेज इन कन्नड़ा बिल ये जो भाषा है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज बेसिस पे इस बार सवाल आने चाहिए बिकॉज थ्रू आउट द ईयर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है चाहे वो एन की बात करें या फिर हिंदी की बात करें या फिर जैसे ये लैंग्वेज है टुलू अभी एक मूवी भी आई थी कंटारा वो इस टुलू लैंड का बैकड्रॉप है वहां पे तो प्ली टू प्रोटेक्ट टुलू कोडावा लैंग्वेजेस इन कन्नड़ा बिल तो ऐसा प्रपोजल है लेट अस सी आप ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज के बेसिस पे क्या कौन से आर्टिकल्स हैं क्या प्रोविजंस हैं लैंग्वेज के बेसिस में बिकॉज एक फंडामेंटल राइट right भी है जो लिंग्विस्टिक कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करता है टेल ओके तो दिस इज टुलू एंड कोडावा इन कर्नाटका यमुना टॉक्सिक फोम विद दिस तो यमुना के साथ डिफिकल्टी है पॉल्यूशन पॉल्यूशन और इसमें ऐसे फोम नजर आते हैं झाग नजर आते हैं पॉल्यूटेड है ये सिटी नॉट टू गेट न्यू लैंडफिल्स वर्किंग टू फ्लैटन एंड एग्जिस्टिंग गार्बेज मोन सी जो दिल्ली है दिल्ली दिल्ली का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जाता है वो जाता है एक लैंडफिल में लैंडफिल्स जैसे बहुत सारे लैंडफिल्स हैं लैंडफिल्स को हम बोल सकते हैं कचरे का पहाड़ यहां पूरे दिल्ली का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सब यहां पे आके डंप होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक बहुत बड़ा पहाड़ की तरह बन गया है हिल की तरह बन गया एंड इट इज ऑल फिल अप विद दिस दिस वेस्ट मटेरियल तो ये माउंट ऑफ शेम यहाँ पे इनको कहा गया जैसे ओखला में 45 मीटर का हाइट हो गया है भलसावा में 62 मीटर गाजीपुर में 65 मीटर तो ये है लैंडफिल्स देन दिस इज नेक्स्ट पेज यहाँ पे बात है वायनाट फार्मा क्रिएट्स अशोक चक्र यूजिंग पैडी आर्ट अब सी दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो सी दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रीडिंग न्यूज़ पेपर ये जो चीज़ें है ना ये फ़िल्टर्ड आउट कॉन्टेंट में वो बात नहीं आती जो एक्चुअल न्यूज पेपर पढ़ने में होती है तो ये हमें रीड करना चाहिए गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स हुए और एक्स्ट्रा सच थिंग्स जैसे ये मॉस्किटो है प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो अभी दिल्ली गवर्नमेंट का है और यहाँ पे बोला है नगर पालिका ने इशू किया है म्यूनसिपल काउंसिल ने कि हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें तो हम डेंगी एंड चिकनगुनिया से खुद को बचा सकते हैं स्क्रब ड्राई एंड चेंज वॉटर वीकली डोटे ब्रीडिंग हो जाता है मॉस्किटो का वॉटर इन कंटेनर फॉर बर्ड मस्ट बी चेंज एवरी वीक कीप द लिड ऑफ वॉटर टैंक क्लोज डोंट लेट वॉटर टैंक ओवरफ्लो वेस्टेज ऑफ वॉटर भी नहीं करना है और इस तरीके का अगर अक्यूमलेटेड वॉटर है तो आप उसमें पेट्रोल डीजल कर दो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा ऊपर एक थिन लेयर बन जाएगी पेट्रोल डीजल की वाटर के ऊपर और ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी मॉस्किटो की डोंट लेट वाटर कलेक्ट नियर कंस्ट्रक्शन साइट्स तो अगर ऐसी चीज़ें को हम करेंगे तो मलेरिया का जो वेक्टर है कैरियर है दिस मच्छर वो हम सॉप कर पाएंगे और फिर डेंगी चिकनगुनिया ये स्प्रेड रुकेगा सो सोर्स को ही करेक्ट करो मतलब मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होने दो अब जैसे ये दिल्ली पुलिस का है शांति सेवा न्याय मॉब मॉब हमेशा गलत होता है मॉब वायलेंस की कोई जगह नहीं है मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न कंट्री में मॉब वायलेंस इज बैड मॉब इज मैड हैज नो प्लेस इन इंडियन सोसाइटी कैपिटल्स में लिखा हुआ है मॉब वायलेंस हैज नो प्लेस इन इंडियन सोसाइटी व्हाट्सोर द रीजन इज मॉब वायलेंस हैज नो प्लेस इन इंडियन सोसाइटी इट इज अ ग्रॉस वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट जीरो टॉलरेंस है बाय दिल्ली पुलिस अगेंस्ट मॉब वायलेंस दैट इज वाई हम सबको भी इसको एक सीरियस ऑफेंस की तरह लेना चाहिए ये एक पनिशेबल ऑफेंस भी है कल्प्रिट फाउंड एंगेजिंग इन इट विल बी बुकड अंडर सीरियस चार्जेस इफ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट इमिजिएटली रिपोर्ट टू अस योर आइडेंटिटी विल बी केप्ट सीक्रेट तो मॉब वायलेंस का कोई जगह नहीं है देन ये एडिटोरियल है अब जैसे फर्स्ट एडिटोरियल है ये कोयम्बटूर का है लेटेस्ट वेट फॉर सम टाइम इसके बारे में ये है केयरलेस थ्रेट केयरलेस थ्रेट्स कल हमने पढ़ा था जिसे 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखा था एक्चुअली क्या होता है ये जो दो कंट्रीज़ हैं ये फाइट करती हैं किसी थर्ड कंट्री में जैसे आज का थर्ड कंट्री है यूक्रेन इसके पहले और भी बहुत सारे यूक्रेन आए हैं जहाँ पर रशिया यूएसएसआर और यूएसए ने लड़ाई की है प्राइस पे किया है इस थर्ड कंट्री ने सो बैटल ऑफ जाइंट्स में यूक्रेन इज अगेन पेइंग द प्राइस केयरलेस थ्रेड्स अब जैसे यहाँ पर न्यूक्लियर थ्रेड की भी बात आती है अगर न्यूक्लियर यूज होता है दॉयल ऑफ दिस दॉयल ऑफ दिस यूक्रेन देन डिफिकल्टी कहाँ पर आएगी सो दिस वी वर्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड ये जो न्यूक्लियर है इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए बिकॉज इससे कम्प्लीट एनहाइलेशन होता है हमने जापैन का केस देखा है कैन यू टेल कि जापान में जो दो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे वो किस कंट्री ने डाले थे और उन बॉम्ब्स का नाम क्या है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में टूवर्ड्स द एंड ये एक्टिविटी ये हुआ था दिस न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो यूक्रेन एंड इट्स वेस्टर्न बैकर्स हैव रिजेक्टेड द रशियन एलिजेशन रशियंस तो यहाँ पर टेरिटोरियल दिस टेंशन चल रहा है प्राइमरली जो है यूक्रेन क्राइसिस में वो ये है कि नेटो एक्सपैंड कर रहा है रशिया थ्रेटन फील कर रहा है देन रशिया पास्ट ग्लोरी को अचीव करना चाह रहा है और यूक्रेन यहाँ पे इनका बैटल ग्राउंड बन गया है सो लेट अस सी इसमें हम इंडियन पॉलिसी जो है उसको कंटिन्यू करेंगे इंडियन पॉलिसी में प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लियर कट बोला है कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर पीस एंड डायलॉग्स वहाँ पर होने चाहिए और दिस न्यूक्लियर का भी यहाँ पे कोई स्कोप नहीं होना चाहिए न्यूक्लियर टेररिज्म इज नॉट राइट तो ये जो रेटोरिक है रेटोरिक है चाहे वो रशियन साइड से हो या नेटो साइड से हो ये कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है फॉर द होल वर्ल्ड द डेथ पेनल्टी इन ह्यूमनाइजिंग क्रिमिनल जस्टिस यहाँ बात है डेथ पेनल्टी सी क्राइम्स होते हैं क्राइम्स होते हैं तो क्राइम्स को हम दिस तीन नज़रिए से देखते हैं जिसने क्राइम किया है जो क्रिमिनल है जिसने गुनाह किया है उसको हम तीन चीज़ें ऑफर करते हैं पहला तो हमें जस्टिस मिलना चाहिए कि जिसपे क्राइम हुआ जिसने क्राइम किया तो उस पूरे एपिसोड में जस्टिस डिलीवर करना ज़रूरी है जस्टिस डिलीवर करना ज़रूरी है सेकंड जो होता है हम हमेशा एक स्कोप रखते हैं कि यहाँ पे रिफॉर्म हो रिफ़ॉर्म हो रिफ़ॉर्म इन द सेंस कि जिसने क्राइम किया है हम ऐसा गिव अप नहीं करते हैं उस पर्सन में वी ऑलवेज होप कि उसमें एक रिफ़ॉर्म होना चाहिए रिफॉर्म होना चाहिए सुधार होना चाहिए थर्ड जो होता है वो होता है डेटरेंस कि उसको पनिशमेंट मिलेगा तो बाकी लोग वो क्राइम करने से डरेंगे डेटेरेंस होना चाहिए तो जस्टिस रिफॉर्म और डेटेरेंस ये तीन चीज होती है जब भी हम पनिशमेंट देते हैं क्रिमिनल्स को क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देते वक्त हम कभी भी रिवेंज ड्रिवन नहीं होते हैं हमारा कोई भी काम रिवेंज ड्रिवन नहीं होता है रिवेंज ड्रिवन नहीं होता है अब बात आती है कि कुछ कैटेगरी ऑफ क्राइम्स होते हैं जो बहुत हीनस होते हैं जो बहुत बहुत घृणित क्राइम होते हैं उस टाइप के हीनस क्राइम पे रिफॉर्म का स्कोप नहीं दिख रहा उस हीनस क्राइम में डेटेरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उस हीनस क्राइम पे हमको जस्टिस दिलाना ज़रूरी है जैसे निर्भया केस में हमने कैपिटल पनिशमेंट दिया था कैपिटल पनिशमेंट दिया था तो बात यह आती है कि कैपिटल पनिशमेंट इंडिया फ्यू कंट्री है वर्ल्ड की जिसमें कैपिटल पनिशमेंट अभी भी चलता है कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ पेनल्टी बट डेथ पेनल्टी कैपिटल पनिशमेंट में एक डिफ़िकल्टी ये आती है कि दिस इज़ एन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जो डेथ पेनल्टी है ये एक एब्सोल्यूट डिसीजन है बाय द वे बाय द वे अगर यहाँ जजमेंट में एरर हो गया या जो एविडेंसेस है उसको हम करेक्टली रीड नहीं कर पाए या फिर सम अदर थिंग अगर हमने कैपिटल पनिशमेंट दे दिया है तो हम उसको कभी भी रिकवर रिस्टोर नहीं कर सकते सो दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े एलैबोरेट प्रोविजन्स होते हैं इंडियन लॉज में एलैबोरेट प्रोविजन है कि जैसे कैपिटल पनिशमेंट अगर लोअर कोर्ट देती है तो आप अपील के थ्रू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी आपके फेवर में नहीं गया तो आप प्रेसिडेंट से मर्सी प्ली भी फाइन कर सकते हैं सो देर आर सेफ गार्ड्स की कैपिटल पनिशमेंट में ऐसा नहीं हो कि कोई इनोसेंट है या फिर अनजस्ट किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया पर अब यह भी बात होती है कि कैपिटल पनिशमेंट क्या इनह्यूमैन है इनह्यूमैन है बिकॉज जब हमारे पास राइट right किसी को लाइफ देने का अधिकार नहीं है तो हाउ वी कैन से कि एज ह्यूमन बीइंग एज अ मेयर मोर्टल हम किसी की लाइफ ले सकते हैं ये एक सवाल उठता है तो वर्ल्ड में अभी जो टेंडेंसी चल रही है वो ये है कि कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश किया जा रहा है आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि कैपिटल पनिशमेंट को अबोलिश किया जा रहा है और बहुत रेयर टू रेयर केस में ही कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है इंडिया में भी ये डिबेट ओपन हो गया है जैसे अभी यूयू जस्टिस यूयू ललित थे चीफ जस्टिस फोर्टी नाइन आपने यहां पे बात किया था कि डेथ पेनल्टी का क्या प्रोविजन रहे किन सारे मुद्दों को देख के डेथ पेनल्टी को यहाँ पे दिया जाना चाहिए इसके बहुत सारे केसेस हैं इसको मैं एक शॉर्ट नोट अलग से आपको शेयर कर दूंगा डेथ पेनल्टी का जो ओवरऑल हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो यही रहेगा कि पनिशमेंट हम किन तीन चीज़ों के लिए देते हैं डेथ पेनल्टी में क्या डिफिकल्टी आती है तो द आइडिया इज अभी इंडिया में डेथ पेनल्टी कंटिन्यूड रहेगा जब तक इसका कोई डिसीजन नहीं आता बट ये रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर केस में इसको लिमिट किया जाएगा और इससे रिलेटेड एक थोरो लाइक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि किन क्राइम्स में हम डेथ पेनल्टी दें तो जो स्केल है द प्लेसेस ऑफ द कॉन्विक्ट होपलेस डिसएडवांटेज में आ जाता है तो दिस इज अगेन वन व्यू पॉइंट Uh, कि ह्यूमैनिटी को यहाँ पे कंसिडर करने की जरूरत है ओके लेट अस वेट अभी इस पर एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा ओपिनियंस नहीं बनाने चाहिए सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा अभी बेंच डिसीजन लेगी उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अभी ये बात चल रहा है कि जो कॉन्विक्ट है कल्प्रिट है उसका अपब्रिंगिंग भी देखो एजुकेशन लेवल भी देखो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी देखो तो पनिशमेंट देने से पहले उसका ये बैकग्राउंड को भी ध्यान रखना जरूरी है ये अभी पहले ये एक दिस बात चल रही थी तो ट्रायल कोर्ट मस्ट टेक इनटू अकाउंट द सोशल वेल्यू एजुकेशनल लेवल अक्यूज्ड का क्या वो कोई ट्रॉमा तो नहीं था क्या वो मेंटली रिटार्ड तो नहीं था फैमिली सर्कमस्टेंसेस क्या है उसका साइकोलॉजिकल इवेल्यूएशन करो पोस्ट कॉन्विक्शन कॉन्डक्ट देखो उसका इन सब को देखने के बाद ये डिसाइड करो कि डेथ पेनल्टी क्या देना है या नहीं देना है इसी इसमें डिबेट है दोनों साइड है कि डेथ पेनल्टी होना चाहिए और नहीं होना चाहिए बोथ साइड्स लेटेस्ट सी बिकॉज गिल्ट भी एक इसमें होता है एक्चुअली डेथ पेनल्टी इज़ अ फाइनल डिसीज़न फाइनल डिसीज़न तो जो जजेज इसको अनाउंस कर रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है बिकॉज दे आर टेकिंग अवे समबडीज़ लाइफ सो दैट इज़ वाई इसमें थोड़ा डिसीज़न मेकिंग होना चाहिए और इट वुड नॉट बी राइट कि हम यहाँ पे जस्ट कॉमेंट्स अभी दें लेट इज़ वेट फॉर द ऑनरेबल कोर्ट्स डिसीज़न कोप ट्वेंटी सेवन मूव द निडल ऑन क्लाइमेट एक्शन ये एक प्राइमर आर्टिकल है कोविड नाइनटीन का बैकड्रॉप हुआ फिर कॉप ट्वेंटी सेवन हुआ सेवन हुआ।, हुआ, हुआ, हुआ था ग्लासगो अग्रीमेंट अभी जो नेक्स्ट कॉप ट्वेंटी सेवन है वो नवंबर छ पे है इजिप्ट में होगा इसको अभी हम अच्छे से देखेंगे नवंबर छह तो पिछली कॉप ट्वेंटी सिक्स में जो ग्लासगो में हुआ था उसमें एक टर्म हमने पढ़ा था पंचामृत कैन यू टेल दिस वर्ड पंचामृत क्या होता है वेरी इंपॉर्टेंट ये पंचामृत की जो पांच बातें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया था ग्लासगो समिट में ये बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर्डर मटेरियल एक्सेलेंट है तो अभी जो बात है कि कॉप ट्वेंटी सेवन में सेम स्टोरी हर साल रिपीट होती है लिप सर्विस से कुछ नहीं होगा क्लाइमेट चेंज करना है तो पैसों की जरूरत पड़ेगी बिना फंडिंग के जो क्लाइमेट फंड है बिना फंडिंग के इसको अचीव करना क्लाइमेट को क्लाइमेट चेंजेस को मिटिगेट करना इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। प्लस इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल है कि यहाँ सारी कंट्रीज़ क्लाइमेट इम्पैक्ट सब कंट्रीज में हो रहा है बट जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए यूएसए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है बजाय इंडिया बजाय बांग्लादेश किसी डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्री में तो यहाँ पे सी होना बहुत जरूरी है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ये बात है पेरिस अग्रीमेंट से हमने देखा इंडिया ने बहुत एक्टिवली यहाँ पे बात किया अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी हुआ पंचामृत में तो हमने ये भी बता दिया है 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल भी हो जाएंगे तो द कोर इश्यूज़ अभी भी हैं जिम्मेदारियां कौन उठाएगा तो जिम्मेदारियां कलेक्टिव होनी चाहिए और जो फॉसिल फ्यूल्स इमिशन वगैरह है ये पर कैपिटा भी देखना चाहिए पर कैपिटा कितना आ रहा है तो अगर पर कैपिटा देखते तो इंडिया का इतना ज़्यादा पॉल्यूशन में इतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है और जो हिस्टोरिकल पॉल्यूशन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने पिछले डेढ़ दो सालों में किया है वन फिफ्टी टू में किया है उसको भी कंसिडर करना ज़रूरी है तो हम कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं बट अगेन जो अभी टेंडेंसी चल रही है वो ये है कि इट इज नॉट सफिशियंट वर्ल्ड को और एफर्ट्स यहाँ पे डालने चाहिए क्लाइमेट चेंज इज अ रियालिटी और ये कैटस्ट्रॉफी बनता जा रहा है एंगर इन हिमाचल ओवर एस टी नोटिफिकेशन फॉर हार्टीज एंड दिस इज सस्टेन एफर्ट्स नीडेड टू फाइट टेरर जयशंकर साहब ने बताया यू एन एस सी

पुलिस जो होता है ये स्टेट सब्जेक्ट होता है बट जैसे कल हमने एम का स्टेटमेंट देखा था होम अफेयर्स कि जो क्राइम है जो क्रिमिनल्स है वो स्टेट स्पेसिफिक तो है नहीं क्रिमिनल्स तो पूरे इंडिया में ट्रांस स्टेट उनका वर्क हो रहा है मोडस ऑपर हो रहा है तो इस बिहाफ में जो पुलिस है डेटा है इसको भी एक कॉमन सिमिलैरिटी होना जरूरी है इंडिया लेवल पे अब जैसे ये पुलिसस पुलिस की यूनिफॉर्म देखो आप ये दिल्ली पुलिस है ये यूपी पुलिस है तमिलनाडुन दिस इज पंजाब पुलिस दिस इज कर्नाटका पुलिस देन ये जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस है ये वेस्ट बंगाल यस yes, वेस्ट बंगाल का जो कलर होता है वो लाइक खाकी नहीं थोड़ा वाइट है देन महाराष्ट्र की पुलिस है और ये पुडुचेरी की पुलिस है तो सी द आइडियाज़ पूरे कंट्री में जैसे हम वन नेशन वन राशन कार्ड ला रहे हैं वन मोबिलिटी कार्ड ला रहे हैं वन साइन लैंग्वेज ला रहे हैं तो वन पुलिस यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो इसमें एक सिमिलैरिटी हो जाएगी कि सारे राज्य की जो पुलिस है वो सेम टाइप की यूनिफॉर्म पहनेगी ऑब्वियसली यहाँ पर जो सिम्बल्स हैं वो अलग होंगे जैसे हर राज्य की जो पुलिस है उसके हिसाब से यहाँ पे टैक्स डिफरेंट होंगे बट दिस कलर ऑफ दिस यूनिफॉर्म एंड सिंपल जो अटायर है इसमें हम यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं लेटेस्ट ड कल्टिवेशन है देन डेटा प्राइवेसी टीबी के केसेस बड़े हैं एंड दिस इज वर्ल्ड ओके देन नॉर्थ कोरिया देन डिफाइंड इन रैली अगेन प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्रैकडाउन देन दिस इज गॉन फॉर अ टॉस फिलिपींस फिलिपींस की कैपिटल क्या है टेल फिलीपींस फिलिपींस दैन दिस इज यू के नए प्राइम मिनिस्टर पैनल टू हेयर कम्प्लेंट्स अगेंस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर है फेसबुक है यूट्यूब गूगल एट्सट्रा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इन दे हैव बिकम ह्यूज बहुत इनके पास नंबर्स हैं और कैपेसिटी है अगर यहाँ कुछ रॉन्ग डूइंग्स हो रही है कंप्लेन्स हो रही है तो उसको कैसे ग्रेवेंस रिड्रेसल किया जाए तो इसलिए जैसे ट्विटर फेसबुक यूट्यूब है इधर एक एपेल एट पैनल की भी बात था एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था अभी एक रूल्स आया था आई टी इंटरमीडियरी रूल्स आई टी इंटरमीडियरी रूल्स इंटरमीडियरी मतलब ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर तो जैसे यूट्यूब में आपने कोई भी कॉन्टेंट पोस्ट किया है तो इसकी जिम्मेदारी उस यूट्यूब की नहीं है उसकी ज़िम्मेदारी जिस यूज़र ने कॉन्टेंट प्रोड्यूस किया है उसकी है तो यहाँ इनको एक ब्लैंकेट इनको एक इम्यूनिटी मिल जाती है कि प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट पोस्ट हुआ है उसमें उसकी जिम्मेदारी उस एंड यूज़र की है बजाय उस प्लेटफॉर्म की बट उसके लिए उस इम्यूनिटी के लिए इन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को इन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को सर्टेन जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस एट्सट्रा है वो मानना पड़ेगा लीगल स्टैंडिंग है ये मैटर काफी टाइम से चल रहा है ग्रेवेंसेस जैसे गवर्नमेंट एट टाइम्स एंटी दिस नेशनल कॉन्टेंट जो होता है उसको पुल डाउन करने की डिमांड करती है तो ट्विटर या फेसबुक जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है उनको कॉम्प्लाई करना पड़ता है अगर नहीं करेंगे तो उनको ये इम्यूनिटी नहीं मिलेगी फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एक डेडिकेटेड कंप्लेन ग्रिवेंस ऑफिसर होना चाहिए जो ऑल टाइप ऑफ रॉन्ग डूइंग्स जो है फॉल्स फेक न्यूज है प्रोपोगंडा है हेटफुल न्यूज है पोर्नोग्राफी है इनको चेक करें मारुति क्वार्टर टू प्रॉफिट जूम फॉर फोल्ड एलॉन मस्क फायर स्टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ ट्विटर सो दिस इज न्यूज एप्पल का बहुत क्रेज हो गया है जैसे अमेजोन का अभी डेटा आया है दस पंद्रह प्रतिशत इसका फॉल हुआ है सिमिलरली जो मेटा है फेसबुक उसका भी रेवेन्यू फॉल हुआ है ये जो फॉल हुआ है टेक जाइंट्स का ऑल दो वो बहुत इन्फ्लेटेड थे बट ये एक साइन भी है कि डिफिकल्टीज आने वाली है क्लाउड्स फियर ऑफ रेसेशन ऑन रेट राइज हाई इन्फ्लेशन मेनली रिजल्ट ऑफ एक्जोजीनस प्राइस शॉक एक्सो मतलब बाहर का तो जो इंडिया में इन्फ्लेशन है वो हमारा डोमेस्टिक पॉलिसीज एंड रीजंस के बजाय फॉरेन जो वर्ल्ड इवेंट्स है वो रेस्पॉन्सिबल है विच इज ट्रू एज वेल जैसे फ्यूल प्राइस बढ़ गया दो यूरोपियन कंट्रीज फाइट कर रहे हैं आपस में और पूरा वर्ल्ड उसका कीमत चुका रहा है तो दिस इज अनजस्टिफाइड फूड प्राइसेस फूड प्राइसेस बढ़ रही है और इसका स्पिल ओवर हो रहा है दूसरे सेक्टर में जैसे क्या होता है सबसे बड़ा एक जो कॉस्ट होता है हमने एक लॉजिस्टिक सर्वे आया था उसमें पढ़ा था सबसे बड़ा जो कॉस्ट होता है ना वो ट्रांसपोर्टेशन का होता है फसल एक जगह पे लगी सब्जियां एक जगह पे लगा कोई भी सामान है जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन होता है माल ढुलाई होता है वो से रोड ट्रक, ट्रेनस के थ्रू हो रहा है अगर डीजल का प्राइस बढ़ गया तो ये ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बढ़ जाएगा और ओवरऑल इन्फ्लेशन आ जाएगा तो हाई फ्यूल है और फूड प्राइसेस भी है बिकॉज अगेन क्लाइमेट चेंज और कैटस्ट्रॉफी के कारण प्रोडक्शन भी कम हुआ है इन दोनों के कारण कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ गया और सप्लाईज कम हो गई और इसका नतीजा ये है कि स्काई रॉकेट हो रही है इन्फ्लेशन बाकी वर्ल्ड में भी ये कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी है डिफ़िकल्टी है और ये भी एक रीज़न है सेंटिमेंट्स डाउन होने का सेंटीमेंट्स डाउन होने का रॉन्ग फॉरन पॉलिसीज वर्ल्ड की तो ये डेटा है सी एंड ऑल तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन आ रहा है वो एग्जोजीनस प्राइस शॉक्स है दिस इज से बी और ये हो गया हमारा द हिंदू ऑल राइट सो दिस इज टूडेज न्यूज पेपर ऑल राइट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ